देखिए कितने बड़े पैरों के निशान। जैक्सन साहब, इतने बड़े पैरों के निशान किसी इंसान के नहीं हो सकते। ये उसी दरिंदे के पैरों के निशान है जिसकी तलाश में हम लोग यहाँ आए हैं। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे राज हैं जो आज तक नहीं सुलझे हैं। ऐसे ही एक अज्ञात रहस्य या राज का नाम है स्नोमैन या येति। हालांकि येति या तुषार मानव के बारे में कई रोमांचकारी कहानियां दुनिया भर में फैली हुई है, फिर भी किसी ने येति को अपने आंख से नहीं देखा है। लेकिन ऐसे कई घटनाएं हैं जिसके बारे में येति के अस्तित्व का प्रमाण होने का दावा किया जा सकता है। सन 1991 में विख्यात हॉरर फिल्म मेकर्स रामसे ब्रदर्स ने येति के ऊपर अजूबा कुदरत का नाम से एक एडवेंचर फिल्म बनाए थे। आज हम बात करेंगे उस फिल्म के कहानी के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल स्मगलर डॉन बैनी को लगता है कि अगर हिमालय के नज़दीक सफ़ेद चोटी नामक एक इलाके में स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया अजीब जानवर का ये अफवाह सच है, तो ये स्थानीय लोगों द्वारा देखा गया जानवर ही असल में तुषार मानव या येति है। बैनी ने अपने एक वफादार साथी के अगुवाई में सफ़ेद चोटी इलाके में एक तलाशी एडवेंचर चलाता है। बैनी का भेजा हुआ वो गिरोह सफेद चोटी के दुर्गम गुफा में उस अजीब और गरीब जानवर को ढूंढ तो लेता है, मगर उसके हाथों उसके गैंग लीडर को छोड़ के बाकी सभी की जान चली जाती है। गैंग लीडर कैसे तैसे करके येति के चंगुल से अपना जान बचाने में कामयाब होता है और उसका कुछ तस्वीर भी ले लेता है। इस बर्फीले वजूद को सफेद चोटी के पास अक्सर बस्ती वालों ने घने कोहरे में भटकते हुए देखा है। आइस फैक्ट्री का मालिक सूरज अपनी विधवा बहन और भतीजी शाशा को अपने जान से भी ज्यादा प्यार करता है। सूरज रोशनी से भी प्यार करता है जो कि एक स्कूल टीचर है। एक दिन लोखन लाला नाम के एक पेशावर किडनैपर और उसके गिरोह ने स्कूल से शाशा को अपहरण कर लेता है। लोखन लाला ने शाशा के रिहाई के लिए सूरज से 5 लाख रुपए का मांग किया। इस हालात में सूरज के जिगरी दोस्त विजय, जो कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर या वन अधिकारी है, वो सूरज के मदद करने के लिए उसके साथ खड़ा हो जाता है। सूरज और विजय शाशा को लोखन लाला की चंगुल से छुड़ाने के लिए रवाना होता है, लेकिन दूसरी ओर शाशा लोखन लाला और उसके गिरोह के कैद से भाग निकलने में कामयाब होता है। किडनैपर्स उसका पीछा करते हैं, शाशा बच निकलती है और सफेद चोटी की उस रहस्यमय गुफा में घुस के छिप जाती है। शाशा के बाद जब बदमाश गुफा के अंदर उसका पीछा करते हुए घुसते हैं, तो येति उन बदमाशों के सामने गड़ी हुई दहशत के तरह उभर आती है। येति के हाथों सारे किडनैपर्स अपने जान गंवाता है, तो एक अपना जान कैसे भी करके बचा लेने में सक्षम होता है और वो जाकर लोखन लाला को सारी बात बताता है। लोखन लाला ने शाशा को बिना सौंपे सूरज से फिरौती वसूल करने की साजिश रचता है। लोखन लाला का गिरोह सूरज और विजय से भिड़ जाता है। वहां से सूरज और विजय जब उसके एक साथी को पकड़ता है, तब दोनों दोस्तों को यह पता चलता है कि शाशा लोखन लाला के चंगुल से बच के भाग गई है और सफेद चोटी के गुफा में घुस गई है जहां येति का डेरा है। नन्ही शाशा के साथ जो कुछ उस गुफा के अंदर हो सकता है, ये सोच के विजय और सूरज दोनों घबरा जाता है, लेकिन विजय सूरज को हौसला देता है। फिर पूरे तैयारी के बाद दोनों दोस्त शाशा को येति के चंगुल से छुड़ाने के लिए हिमालय के अंचल में सफेद चोटी के लिए निकल पड़ता है। वही दूसरी तरह स्मगलर डॉन बैनी लोखन लाला से मिलने पहुंचता है। बैनी लाला को ये कहता है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी इलाका लाला अपने हाथों की हथेली की तरह पहचानता है, इसी कारण से मोटी रकम के बदले में येति को कैद करने का कॉन्ट्रैक्ट बैनी लाला को देना चाहता है। लाला भी कहता है कि
किडनैप करके परिवार से फिरौती वसूल कर करके वो अब बोर हो चुका है। अगर उसे मोटी रकम मिलता है तो वो येती को पकड़कर बैनी के हाथ सौंप देने का कोशिश करेगा। डॉन बैनी लोखन लाला को मुंह मांगी रकम देने को राजी हो जाता है और लोखन लाला को बतौर एडवांस एक मोटी रकम देता है। कुछ कारनामों के बाद सूरज और विजय सफेद चोटी की गुफा में जाता है और दोनों का सामना येती से होता है। जब सूरज येती को गोली मारने की कोशिश करता है तो साशा दोनों दोस्तों को चौंका देती है और येती को बचाने के लिए आगे आती है। पता चलता है कि येती ने साशा का कोई नुकसान नहीं किया है। साशा येती के साथ बहुत अच्छी दोस्त बनकर रह गए हैं। येती गुफा के पीछे देवदार और दूसरे पेड़ों के जंगल में भागकर खो जाता है और साशा को लेकर विजय और सूरज दो दोस्त घर लौट आता है। घर वापस आकर साशा ने मीडिया को एक इंटरव्यू देता है जहां उसने येती के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से बताता है। येती ने उससे दोस्ती की। येती एक जानवर के तरह दिखता है लेकिन उसका दिमाग संवेदनशील है। अच्छाई या बुराई का समझने का क्षमता येती में है, यही बात साशा मीडिया से कहती है। इस खौफनाक दरिंदे ने मेरे साथियों पे हमला किया लेकिन मैं इसकी तस्वीरें लेने में कामयाब रहा। सर, सफेद चोटी के पास गुफा में तीन लाशें मिली, बुरी तरह कुचली हुई, उनके चेहरों पे पंजों के निशान। आप लोग वहां क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वहां हमारी प्यारी छोटी मासूम सी बच्ची खो गई है, उसी की तलाश में जा रहे हैं। उस दरिंदे ने सिर्फ उन लोगों पर हमला किया जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यदि एक जानवर है लेकिन उसके सीने में इंसान का दिल है। हमें पता है तुम अच्छे हो, दिल के बड़े ही। डॉन बैनी और लोखन लाला का गैंग टीवी पर साशा का पूरा इंटरव्यू ध्यान से सुनता है। उसके बाद वो पूरे तैयारी के साथ सफेद चोटी के गुफा में जाता है और येती पर हमला कर देता है। एक विशाल मजबूत नायलॉन नेट या जाल के मदद से येती को पकड़कर उसे नींद के इंजेक्शन के एक कठिन खुराक देकर बेहोशी के हालत में लाला और उसके साथी अपने खुफिया ठिकाने पर ले आता है। वहां येती के बारे में उनकी अज्ञानता और एक अपराधी होने के कारण येती को एक अस्वास्थ्यकर वातावरण में एक पिंजरे में रखा जाता है और अपने साथियों की हत्या के लिए बदले के भावना में येती को लाला के गैंग बहुत टॉर्चर करता है। येती लगभग अधमरा हो जाता है। डॉन बैनी येती की कैद की खबर मीडिया में फैला देता है। इसी बीच येती से बिछड़ने के गम में साशा खाना पीना छोड़ देती है। सूरज का धमकी साशा पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। सूरज का कहना होता है कि येती एक अनुभवहीन पहाड़ी जानवर के अलावा और कुछ नहीं है। येती साशा के लिए खतरनाक हो सकती है। सूरज के इस विचार का विजय विरोध करता है। विजय कहता है कि येती अभी भी मानव सभ्यता के लिए एक अज्ञात रहस्य है लेकिन साशा के मामले में येती की संवेदनशीलता ही साबित होती है। येती अपने आप से पहले किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो उन लोगों को खिलाफ हिंसक हुआ है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जब तक साशा उसके साथ थी उसने साशा को अपने आंख की मोती के तरह रखा, खिलाया और उसकी रक्षा की। लेकिन विजय के सारी बात सूरज मानने को तैयार नहीं होता है। अंत में विजय अकेले ही येती को बैनी और लाला के हाथों से छुड़ाने का फैसला करता है। इस काम में उसका साथी उसकी प्रेमिका और साशा सहित साशा के नन्हे कुछ दोस्तों का एक गिरोह भी शामिल होता है। विजय लगभग ही मैन बन जाता है और अपने दम पर
लाला की गिरोह को पकड़ लेता है और अधमरा येती को बचा लेता है। सूरज के विशाल बर्फ फैक्ट्री के ठंडे वातावरण में येती को गुप्त करके रखा जाता है। वहाँ येती धीरे धीरे ठीक होने लगता है। उसके शरीर का तापमान या टेम्परेचर स्वाभाविक या नेचुरल होने लगता है। वो अपने दोस्त साशा को देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो साशा के साथ खेलने में मगन हो जाता है। इन सभी घटनाओं के गवाह होने से येती के बारे में सूरज की गलत फहमियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता टूट जाती है। विजय और सूरज फैसला करता है कि वो येती को मानव समाज से बहुत दूर पहाड़ों में एक अनजान जगह पर छोड़ के आएगा, जहां कोई उसे परेशान नहीं करेगा, कोई येती को तंग नहीं करेगा। इस प्लान के मुताबिक दोनों दोस्त येती के साथ एक बड़े ट्रक में सवार हो जाता है, लेकिन रास्ते में उन लोगों का भिड़ंत डॉन बेनी, लोखन लाला और उनके खतरनाक आपराधिक गिरोह के साथ होता है। अंत में अच्छी ऊर्जा की जीत होती है। येती बेनी और लाला के गैंग से अपना बदला पूरा करता है। साशा येती को अलविदा करने के समय कहती है, येती आई लव यू, तुम्हारे बिना मुझे बहुत दुख होगा, तुमसे बिछड़ के मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन हमारे मानव दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम बहुत अच्छे और सरल हो, लोग इतने लालची है कि वे तुम्हारे सरलता को और तुम्हारे भलेपन को नहीं समझेगा, तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए हमारे समाज से कहीं दूर, बहुत दूर कहीं खो जाओ। साशा ने आंखों में आंसू लिए येती को अलविदा कहता है। इसके बाद जब साशा कार में बैठ के चल पड़ती है और येती के ओर हाथ बढ़ा के बाय बाय करती है, तो रहस्यमय हिममानव येती विस्मयकारी निगाहों से जाता हुआ कार को देखता ही रहता है। यही थी फिल्म अजूबा कुदरत का की कहानी। इस फिल्म के मूल्यांकन हम लोग एक दूसरे वीडियो में जरूर करेंगे।